आपने कांग्रेस पार्टी के विषय उठाया, मैं भी इसका कांग्रेस पार्टी का जवाब देना चाह रही हूं। क्यों? उनके अपने अपने राज्य सरकार जहां भी है और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को उसमें बिठाएं और माइग्रेंट्स को इतने सुविधा के साथ, सुविधा काफी नहीं है फिर भी सुविधा के साथ उनके घर तक पहुंचाने के लिए उनके अपने राज्य को जहां कांग्रेस के सरकार हो या जहां उनके स्नेह पार्टीज हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उनके पास बात करके उनके साथ कोऑपरेट करके और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें, ना कि जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना। उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जाकर के उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं, उस बात को आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी, और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ, ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं, ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। दुख लग रहा है, दुख हो रही है, पूरे देश में दुख के साथ लोग बात कर रहे हैं, क्या हालात हो गया है हमारे माइग्रेंट्स को। इतने सारे स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करते हुए स्टेप्स जब हम ले रहे हैं, ये क्या तरीका है? जैसे कि उनके राज्य में माइग्रेंट्स का पूरे सुविधा हो रही है, बाकी सब में नहीं हो रहे, ये क्या है पॉलिटिक्स बनाना? हाथ जोड़ करके मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से मांग रही हूं, लेट अस स्पीक रिस्पॉन्सिबली, लेट अस डील विद आवर माइग्रेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबली। आई एम सॉरी,